हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया है। प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी है। प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा। और अभी मैं बना रही हूँ सुबह का खाना और बाकी का काम मेरा सारा हो चुका है, क्लीनिंग वगैरह का, नहाना धोना। तो अभी मैं बनाऊँगी खाने, मैंने लौकी लिए थे वही मैं बनाऊँगी। लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं और रायता बनाऊँगी। तो एक ही सब्ज़ी से दो दो रेसिपी मैं आपको बनाऊँगी। ये है हरी मिर्च और अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया है। तो मैंने घिया उबाल लिया था लौकी को और उसके बाद ये टमाटर पीसे हुए रखे थे, एक चम्मच मैं वो डाल दूँगी। ये मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, उबली हुई लौकी की। जल्दी बन जाती है और टाइम भी काफ़ी बचता है और स्वाद भी अच्छा होता है, ट्राई करके देखना। तो मैंने ये उबाला है पहले ही लौकी और उसके बाद अभी इसमें हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल के उसके बाद अपने सूखे मसाले ऐड किए हैं, अपने ये रोज के ये बेसिक मसाले। और बस लोग मैं भून रही हूँ जीरा, क्योंकि मैं लौकी का रायता भी बनाऊंगी। तो बस मैंने तवा रख दिया है और उस पर डाल दिया है जीरा। और ये देखिए, ये दाल मेरी सब्जी भी बन गई है। और बस अभी मैं बनाऊंगी लौकी का रायता। एक सब्जी से मैं दो चीज़ें आपको बना के दिखाऊंगी। और गर्मियों के मौसम में लौकी का रायता काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही अभी सीजन है लौकी का, तो सीजन की सब्जी में एक अलग ही स्वाद होता है। और अगर बगैर सीजन के खाओ तो उसमें इतना स्वाद नहीं होता है। तो ये देखिए लौकी, मैंने ये उबाल लिया था और ये है दही घर की बनी हुई, जो मैंने घर में ही मैं दही बनाती हूँ हमेशा ही, कभी मैं दुकान से नहीं मंगवाती हूँ। और काम सारा हो चुका है, वंशिक और नीति लेट चुके हैं टीवी के सामने और इनका ये चलता रहता है, अक्षरा नायरा ये हर टाइम यही आता रहता है। दोपहर का टाइम हो रहा है अभी और बस खाना पीना खा के वंशिका और लेट चुके हैं। और एक बजे हम खाना खाते हैं। खाना में मैं आई हूँ अभी छत पे और मैं दे रही हूँ अभी पानी, क्योंकि अभी फ़िलहाल पौधों को दोनों टाइम ज़रूरत होती है पानी की। और ये भी खाली हो जाता है, सुबह भरती हूँ वो और अब मैं शाम के टाइम फिर से भरने के लिए इसे आई हूँ। तो मैंने सोचा चलिए छत पे आए, काफ़ी अच्छा हो रहा है मौसम, हवा चल रही है और सूरज भी डूबने वाला है, दिख रहा होगा आपको ये देखिए। तो बस अभी मैं पौधों को भी पानी दूंगी, पौधे भी बिल्कुल सूखे हुए हैं, ये देखिए बिल्कुल सूख जाते हैं अब तो, ऐसा मौसम हो रहा है धूप का। तो बस चलिए अभी पानी तो मैंने भर दिया है। क्योंकि पंछियों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की इस मौसम में। सर्दी में भी मैं हमेशा ही भरती हूँ लेकिन गर्मियों में दो टाइम भरना पड़ता है। तो और ये देखिए गर्मियों में सूख जाते हैं बिल्कुल पौधे, तो पानी देना ही होता है। जब मैं आती हूँ छत पे तो सुबह को भी ऐसे ही सूखे होते हैं, शाम को भी। और मौसम भी यहाँ का बहुत ही अजीब हो रहा है, कभी तो इतनी गर्मी हो जाती है और कभी हो जाता है आंधी तूफान बारिश। तो लोगों की जैसे गेहूँ वगैरह कट रहे हैं गाँव में, खेती बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है मौसम के कारण। अभी दो तीन दिन तक काफ़ी बारिश पड़ी थी और कभी बारिश कभी धूप, इसी मौसम की वजह से बीमारी भी बहुत ज़्यादा चलती है। और इन दिनों में बीमारी फैल रही है बहुत ही ज़्यादा मौसम के ही कारण ये सब चीज़ें होती हैं। तो बस अभी मैंने पौधों को पानी दे दिया है और मैं अभी जाऊँगी नीचे और अभी मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे दिल्ली में कितनी कभी बारिश और कभी
धूप हो जाती है। अभी 2 दिनों पहले का है ये, यहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी और ठंडा मौसम हो रहा था, और अब 2 दिनों के बाद गर्मी हो गया बहुत ही ज़्यादा। तो ये मौसम क्या करेगा, खेती हो जाएगी किसान की खराब बिल्कुल। तो बस मैं इस वीडियो को एंड करूँगी, ऐसी नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना। आपको अगर इसी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय। I'm going to go to the hospital.